गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल दानिश बेग लर्निंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर एक नई वीडियो को लेकर आया हूं आपके लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो में मैं आपको श्री मैथिली चरण गुप्त जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएँ, कृतियाँ, साहित्यिक परिचय और भाषा शैली को एक्सप्लेन कर बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये मैथिली चरण गुप्त जी का जीवन परिचय है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए, मैथिली चरण गुप्त जी का गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिता धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। मैथिली चरण गुप्त ने अपने पिता से पूर्ण तरह से संस्कार ग्रहण किए। इन्होंने घर घर पर ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन किया। इनकी आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक पत्र से में छपती थीं। इनकी साहित्य उपलब्धियों के कारण ही आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और साथ ही भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। ये राज्यसभा में दो बार मनोनीत किए गए। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी जीवनी। अब मैं आपको इनकी रचनाएं बता देता हूँ। ये इनकी रचना है। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं एवं कृतियां निम्नवत हैं। इनकी रचनाएं हैं भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी और अनघ। अनघ है फ्रेंड्स ये। हिंदू, गुरुकुल, साकेत, झंकार, नहुस, अलंकार, ये थी फ्रेंड्स इनकी रचनाएं। अब मैं इनकी आपको साहित्य परिचय बता देता हूँ। ये इनका साहित्य परिचय है। देखिए, गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। यह बचपन से ही काव्य रचनाएं करते थे। खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया है और अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में भी प्रस्तुत किया है। यह द्विवेदी युग के लोकप्रिय कवि हैं। ये हो गया इनका साहित्य परिचय। अब मैं आपको इनकी भाषा शैली को एक्सप्लेन कर देता हूँ। गुप्त जी की भाषा सहज, स्वाभाविक, परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में मुक्तब एवं प्रबंध दोनों शैलियों का प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मैथिली चरण गुप्त जी का जीवन परिचय है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और ये फ्रेंड्स, मैथिली चरण गुप्त जी का जीवन परिचय बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।